दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूं, इस फ़ोन के बहुत ज़्यादा लोग दीवाने हैं क्योंकि सबसे सस्ता फ्लैगशिप फ़ोन अगर बात करूं तो यही फ़ोन आता है। एंड फ्रेंड्स, ये फ़ोन बहुत ज़्यादा सस्ता है। इसमें आपको वाटरप्रूफिंग, वायरलेस चार्जिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे फीचर्स फ्लैगशिप लेवल के मिल जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, सैमसंग की श्रेणी में ये सबसे सस्ता फ्लैगशिप फ़ोन आता है। फ्रेंड्स, अगर फ़ोन के बारे में बताऊँ तो ये है सैमसंग का F21 FE 5G फ़ोन। तो फ्रेंड्स, पहले जब फ़ोन की स्टार्टिंग हुई थी तो ये फ़ोन लगभग 60,000 रुपये का देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे ये फ़ोन थोड़ा सा पुराना मॉडल हो चुका है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी इस फ़ोन का नया है। एंड आज के टाइम पे ये फ़ोन आपको लगभग 28-29,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। एंड फ्रेंड्स, आपको 2024 के अंदर क्या ये फ़ोन बाय करना चाहिए या फिर कोई अच्छी डील आपको इस प्राइस रेट पे मिल जाएगी, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। एंड वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब मैंने फ़ोन लिया था तो ये फ़ोन मैंने 32,000 रुपये का लिया था, आज से एक साल पहले। उस टाइम पे इस फ़ोन की एक्चुअल कीमत लगभग 35-36,000 रुपये थी, हमने डिस्काउंट वगैरह लगवाए थे तो ये फ़ोन हमें 32,000 का मिला था। लेकिन आज के फ्लिपकार्ट पे आपको 27,999, 28,999, 29,999 का देखने को मिल जाता है। वही फ्रेंड्स, ये फ़ोन में जब हमने लिया था तो 8GB रैम 128GB रोम में लिया था। उस टाइम पे सैमसंग के इस फ़ोन के साथ में दो प्रोसेसर्स आ रहे थे। एक तो सैमसंग का ही एक्सनॉइस का प्रोसेसर आ रहा था जो कि काफ़ी हीटिंग करता था। एंड उसके साथ साथ सैमसंग ने एक्सनॉइस प्रोसेसर हटाकर उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देना स्टार्ट ही किया था। वो था स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, और आज के टाइम पे यही प्रोसेसर कंटिन्यू चल रहा है। एक्सनॉइस प्रोसेसर के फ़ोन्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो प्रोसेसर है वो 2.84 GHz पे वर्क करता है, मतलब फ़ोन काफ़ी अच्छा वर्क करता है। आप चाहें इसमें मल्टीटास्किंग करिए, गेमिंग करिए, एंड काफ़ी अच्छे स्मूथली चलती रहेगी। वैसे ये जो प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं वो गेमिंग को टारगेट ज़्यादा नहीं करते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस को बेटर करते हैं और कैमरा या फिर कोई भी क्वालिटी हो गई उसे देने की पूरी कोशिश करते हैं। आप हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इस फ़ोन में आपको 6.4 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120Hz का डिस्प्ले है। एंड इसके साथ में आप काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस इसके डिस्प्ले के साथ में कर सकते हैं। देखिए, फ़ोन आपको बताऊं थोड़ा सा छोटा है, हैंडी है, मतलब आप एक हाथ से बहुत इजीली फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, सिंगल हैंडी यूज़ फ़ोन है। एंड इतने बड़े फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद हैं, जितने बड़े आईफोन होते हैं सेम उतना ही बड़ा इस फ़ोन को आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन मुझे वाकई काफ़ी पसंद आया, हैंडी फ़ोनों की लिस्ट में है, काफ़ी हल्का है, पतला फ़ोन है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखिए बैटरी की बात करूं तो इस फ़ोन में आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है, उसी के साथ साथ 25W चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आप इसे वायरलेस चार्ज करते हैं तो 15W की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट कर लेता है। इसी के साथ साथ इस फ़ोन में आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंस, मतलब वाटर प्रूफिंग मिल जाती है, आप पानी के अंदर 15 मीटर तक डाल सकते हैं। एंड इस फ़ोन में आपको 4K 60fps का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब आप अगर देखिए ब्लॉग रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपको 4K का सपोर्ट इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12+12+8MP का। 12MP का यहाँ पर आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है, 12MP का यहाँ पर टेलीफोटो लेंस, 8MP का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 12MP का यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले लेता है ये फ़ोन। आप अगर चाहें 4K में कंटेंट बनाते हों, चाहे आप YouTube के लिए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हों तो आप इस फ़ोन से इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इस फ़ोन में आपको 4K 60fps का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद स्टेबलाइजेशन, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी इस फ़ोन की आ जाती है। कि फ्रेंड्स, इस फ़ोन का कैमरा टेस्ट भी मैंने करके रखा हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड स्क्रीन पर भी वीडियो लगा दूंगा, एंड आई बटन पे भी मैंने वीडियो लगा दी है, आप कहीं भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इससे आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इस फ़ोन के वो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं, बाकी फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगता है। अगर बैक पैनल की बात करूँ, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आपको बहुत ही अच्छी, तो अगर देखिए स्क्रैचेस की बात करूँ तो बैक पैनल पे इजीली स्क्रैचेस नहीं आते, आप बिना कवर के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी साइड का जो फ्रेम है वो मेटल फ्रेम के साथ में आता है तो काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, मतलब हाथ में पकड़ के एक प्रीमियम सा फ़ोन आपको फील होगा क्योंकि फ़ोन काफ़ी बढ़िया एंड कॉम्पैक्ट है। अब फ्रेंड्स, मैं इस फ़ोन की देखिए कमियों के बारे में बात कर लेता हूँ।
क्योंकि 2024 के अंदर अगर आप फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो आपको बेस्ट डील इससे भी अच्छी मिल सकती हैं। लेकिन मैं पहले इसके कमियों के बारे में भी बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी जो मेन कमी इसमें है वो है बैटरी का इश्यू। इसमें आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलता ज़रूर है, लेकिन बैटरी यहाँ पर थोड़ा सा कम रुकता है। मैं आपको बताऊँ, बैटरी का जो ऑन स्क्रीन टाइम है वो लगभग आपका 3 से 4 घंटे का ही रहता है, उससे ज़्यादा बैटरी इसकी नहीं रुकने वाली है। आप अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हो, ऑफिस वगैरह करते हो तो आपका फ़ोन चलता रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप घर पे रहते हो, पूरे दिन फ़ोन यूज़ करते हो, उन लोगों के लिए ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बैटरी आपको दिन में 2-3 बार चार्ज करनी पड़ सकती है। मतलब आप अगर फ़ोन कम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका डेली रूटीन में थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, थोड़ी बहुत कॉलिंग वगैरह या फिर थोड़े बहुत और टास्क वगैरह रहते हैं, तो आप एक दिन ईजिली काट देंगे। वरना आपको घर पे आप पूरे दिन फ़ोन चलाते हैं या फिर पूरे दिन फ़ोन का ही आपका काम है, तो इस फ़ोन की बैटरी आपको थोड़ी सी दिक्कत में डाल सकती है। इसलिए आप अगर इस फ़ोन को ले रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बैटरी का थोड़ा सा इश्यू आपको मालूम पड़ सकता है। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे हीटिंग इश्यू है, लेकिन प्रोसेसर चेंज हुआ है, जैसे जैसे अपडेट्स आते गए उसी के टाइप से हीटिंग इश्यू भी इसमें अब कम हो गया है। मतलब फ़ोन हीट तो सभी फ़ोन करते हैं, ऐसा नहीं है कोई सा फ़ोन हीट ना करता हो, थोड़े बहुत सभी फ़ोन हीट करते हैं। बस आपको इस फ़ोन में थोड़ा सा ओवर हीट मालूम पड़ जाता है, क्योंकि फ़ोन थोड़ा सा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इसलिए हीट को ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है। अगर थोड़ा सा फ़ोन बड़ा होता तो हल्की सी हीट कम मालूम पड़ती, वैसे हीटिंग से इतना बड़ा इश्यू इसमें नहीं है। बाकी देखिए, दोनों फैक्टर जो भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ लोगों की ये भी समस्या थी कि नेटवर्क कम पकड़ता है। मैंने इस फ़ोन को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, देखिए वाईफाई के साथ में भी एंड नेटवर्क के साथ में भी, तो मेरा फ़ोन बहुत इजीली चलता रहता है। 5G सपोर्ट करता है, 5G में भी स्पीड बहुत ही अच्छी आती है एंड वाईफाई में भी काफ़ी अच्छे नेटवर्क इस फ़ोन में आते हैं, तो मुझे नेटवर्क का कोई भी इश्यू यहाँ पे मालूम नहीं पड़ा है। बाकी फ्रेंड, जितने भी फैक्टर्स थे मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। आपका जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखिए, मैं बात करता हूँ क्या 2024 के अंदर इस फ़ोन को आपको बाय करना चाहिए। देखिए, 2024 के अंदर इस फ़ोन को बाय करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि 2024 में इस फ़ोन से भी बेटर और भी फ़ोन्स कई सारे लॉन्च हुए हैं। देखिए, आप अगर सैमसंग का S21 FE ले रहे हो तो S22 के भी प्राइस कम हो चुके हैं, आप वो भी बाय कर सकते हो। देखिए, इस प्राइस रेट पे आपको थोड़ा बहुत पैसे डाल के iPhone 12 भी मिल सकता है। एंड आप अगर Vivo की B सीरीज़ देख रहे हो तो Vivo V30 लॉन्च हुआ है, आपको थोड़ा बहुत पैसा डालना पड़ सकता है, V30 मिल सकता है। बाकी फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, आपको इसमें फ्लैगशिप लेवल के एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। तो 2024 के अंदर आप इस फ़ोन को इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है लेने का तो आप ले सकते हो, कोई भी बहुत ही बड़ा फैक्टर नहीं है। जो भी इश्यूज़ थे मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। बाकी फ़ोन बहुत ही अच्छा है, फ़ोन में कोई भी कमी नहीं आई, फ़ोन बहुत ईजिली चल रहा है हमारा, फ़ोन में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। बाकी बहुत सारे नए नए फ़ोन्स भी आए हैं, हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोस डाल रखी हैं हमने। बाकी फ्रेंड, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी हैं। आपका जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।